जाकर के बोल दे जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए अभी से। पेट की भूख धर्म नहीं देखती, जाति नहीं देखती, सिर्फ कतार की लंबाई देखती है। और ऐसी ही एक कतार में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम लेकर मर्यादा तार तार कर दी जाती है। जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, राम की भूमि है, धर्म कोई भी हो। वीडियो मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल के पास का है, जहां धर्म कर्म का नाम लेकर भंडारा लगाया गया, लेकिन शर्त रख दी गई कि खाना उन्हीं को मिलेगा जो श्री राम की जय बोलेंगे। एक महिला ने इसका विरोध किया और तूतू मैं शुरू हो गए। जाकर के बोल दे जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए अभी से, किसी को भागा भाग जाए। नहीं नहीं बाबू, तेरे बाप का है जगह। मेरे बाप का है? तेरे बाप का है? हाँ मेरे बाप का है। तेरे बाप का है तो भिगा के तुझे लगा के तो दे, मैं खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलूंगी, बोलना पड़ेगा। देखने वालों के सिर शर्म से गड़ गए, लेकिन मर्यादा ताक पर रखने वालों की बेशर्मी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती गई। आप लोग खाना बांटने आ रहे हो, खाना बांट के जाओ। जय श्री राम बोलेगा तो खाना मिलेगा। वो लेडीज को मैंने बोला ना, वो बदमाश लोग हैं। वो बदमाश लोग नहीं, आपने बोला आतंकवादी है। आपने बोला आतंकवादी मतलब क्या होता है? राम के नाम के अंदर राम की खिलाफत करने का, ज्यादा होशियारी नहीं लगाने का इधर। हालांकि महिला को कतार से बाहर करने वालों को भी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन बेशर्म अकड़ ने अंत तक पीछा नहीं छोड़ा। मामला अब मुंबई की भोईवाड़ा पुलिस के पास है, जिसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना।